सर्विस सेंटर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और यदि आप उससे बचना चाहते हैं और आप इस उम्मीद में इस वीडियो को ओपन किए हैं जहां पे आप ये सीखना चाहेंगे कि किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन को घर बैठे वो भी बिना किसी कंप्यूटर के किस तरह से अनलॉक करते हैं ये जानने के लिए, तो ये परफेक्ट वीडियो है आपके लिए। यहां पे आप ये सीखेंगे कि किस तरह से आप घर बैठे बिना किसी डेटा को लॉस्ट किए अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन के पिन पैटर्न पासवर्ड को आप सिंपली 2 से 3 मिनटों में अनलॉक कर सकते हैं और आपका कोई भी डेटा जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंस है वो आपका लॉस्ट नहीं होगा। तो चलिए आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं जहां पे हम आपको बताएंगे विदाउट एनी कंप्यूटर आप अपने हैंडसेट को कैसे अनलॉक करेंगे वो भी विदाउट एनी डेटा लॉसेस। तो आपको यहां पे स्टेप बाय स्टेप में बताने वाला हूं, तो पूरे पेशेंस के साथ ही देखिएगा तभी आप सीख सकते हैं। यहां पे कुछ टेक्निकल टर्म हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे जिसे हम अपने सर्विस सेंटर में इस्तेमाल करते हैं, तो ध्यान से जब आप देखेंगे तभी समझ सकेंगे। अभी यहां पे हमें पहला स्टेप क्या लेना है, आपको उसके लिए इसे ऊपर की तरफ स्लाइड करना है जहां पे पासवर्ड आपको डालना है और यहां पे आपको सबसे पहले, जी हां सबसे पहले जहां पे आपको पासवर्ड डालना होता है इसके नीचे देखना है जहां पे आपको देखने को मिलेगा इमरजेंसी कॉल का ऑप्शन, आपको इसे यहां पे क्लिक कर देना है और आपके हैंडसेट में इमरजेंसी कॉल्स ओनली का जो पेज है वो यहां पे अपीयर हो जाएगा यानी कि वो आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपको यहां पे करना क्या है, आपको डायल करना है मास्टर अनलॉकिंग मोड का ऑफलाइन मोड का कोड। जी हां सिंपली इसका नाम बोलूँ तो वो है ऑफलाइन मोड का कोड और आप यहाँ पे इस कोड को देख रहे हो, इसी कोड को आपको यहाँ पे डायल करना है और जो कि आप देख रहे हैं ये सारे एंड्रॉयड स्मार्टफोन में काम करता है चाहे आपके पास कोई भी हो, रियलमी ओप्पो वीवो वन प्लस सैमसंग शाओमी रेडमी पोको कोई भी आपके पास यदि एंड्रॉयड है तो वो सब में काम करेगा। अब आपको इस नंबर पर करना क्या है, आपको इस नंबर पर 3 टाइम कॉल कर देना है। जब आप यहाँ पर कॉलिंग स्टार्ट करेंगे कॉल फेल्ड का जो मैसेज है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसे आपको ओके कर देना है और इसे बस आपको 3 बार रिपीटेड मोड पे करते जाना है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे 3 बार इसे कर दिया है, तो यहाँ से अभी नंबरों को हटाएंगे, अभी आपका हैंडसेट में ऑफलाइन मोड एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको बारीकी से समझना है कि अब आपका जो ऑफलाइन मोड का कोड है उसका हमने सिर्फ यहाँ पे 1 स्टेप लिया है और ये कंप्लीट होता है 2 स्टेप में। तो 2nd स्टेप क्या है, आपको नोटिफिकेशन पैनल पर जाना है और यहाँ इस हैंडसेट को ऑफलाइन मोड में हमें एक्टिवेट कर देना है यानी कि एयरप्लेन मोड में डाल देना है। हो सकता है आपके स्मार्टफोन में इसका नाम फ्लाइट मोड होगा, दोनों में से कोई भी नाम हो आपको सिंपली इसे ऑन कर देना है। अब आपका जो हैंडसेट है वो सक्सेसफुली 100% ऑफलाइन हो चुका है, आपके बैकग्राउंड में जितने भी एप्लीकेशन चल रहे थे वो सारे यहाँ पे क्लोज हो गए हैं और इनका क्लोज होना भी ज़रूरी था। तो अब हमें अगला स्टेप क्या लेना, अब हम यहाँ से मोबाइल को अनलॉक करने का जो मेन प्रोसेस है उसे यहाँ पे देखने वाले हैं। याद रखिएगा हमारे सर्विस सेंटर में एक कोड का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम होता है गूगल FRP कोड, जो कि गूगल के द्वारा हर एक सर्विस सेंटर को प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन ये कोड सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के लिए वैलिड होती है, हर एक महीने ये चेंज होता रहता है। तो अभी का जो लेटेस्ट कोड है वो यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्प्ले पे, इसे आपको अपने स्मार्टफोन में सिंपली इस तरह से डायल करना है और आपको यहाँ पे इस नंबर पे 7 टाइम कॉल कर देना है। याद रखिए इसका नाम है गूगल FRP कोड और इसे सर्विस सेंटर की भाषा में कहते हैं मास्टर अनलॉकिंग कोड। तो इस नंबर पे आपको 7 टाइम कॉलिंग करना है, कॉलिंग करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे इसे कॉल पे दबाना है और यहाँ पे ओके कर देना है। आपको 7 टाइम करना है, 3, 4, 5, 6 और 7। इसके बाद आपको आप जो यहाँ पे कोड देख रहे हैं हो सकता है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, यह हमेशा काम आने वाला है। अब इस सिंपली आपको ये डायल करने के बाद यहाँ पे होम बटन को क्लिक कर देना है और आप देख सकते हो हमारा ये हैंडसेट तो अनलॉक हुआ, साथ में आपका कोई भी डेटा लॉस्ट नहीं हुआ। यदि आपका अभी भी अनलॉक नहीं हुआ है उस केस में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज्वाइन करिए, जहाँ पर आप जैसे ही हमें ज्वाइन करते हैं हमारे टीम मेंबर की तरफ से आपको एक व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल चला जाएगा और उस वीडियो कॉल के हेल्प से हम आपके हैंडसेट को 2 से 5 मिनट के अंदर अनलॉक करके दे देंगे। तो आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा।